हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उस मेडिसिन का नाम है सल्फर। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, या फिर ये किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है, या फिर इसे खाने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग जिस मेडिसिन यानी कि जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है सल्फर। दोस्तों, इसका पावर यानी कि शक्ति की बात की जाए तो इसमें लगभग सारी शक्तियाँ काम आती है, यानी कि 1 से लेकर CM तक, यानी कि 1 लाख तक। इसके बारे में यह कहा गया है कि सल्फर त्वचा रोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, यानी कि मेडिसिन है। यह एक गहराई में जाकर क्रिया करने वाली औषधि है, लेकिन यह दो धारी तलवार है। बहुत सावधानी के साथ इस दवा को प्रयोग किया जाना चाहिए, वरना रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से रोगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। इसे ऊंची शक्तियों में बार बार नहीं दिया जाता, क्योंकि बार बार देने से लाभ के बदले ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसे बार बार दिए जाने पर त्वचा रोग ठीक हो जाने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रोगी को बहुत तकलीफ होती है। इसकी क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए इसकी सिर्फ एक मात्रा यानी कि एक खुराक यानी एक डोज देकर कुछ दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। यह औषधि यानी कि यह मेडिसिन कुछ त्वचा रोग में काम आता है, जैसे कि त्वचा खुश्क, पपड़ीदार, अस्वस्थ, हर छोटी सी चोट पक जाती है, फुंसीदार उद्भेद, खुजली जिसमें खुजाने के बाद जलन होती है, खुजली रात में बिस्तर में गर्म हो जाने के बाद ज़्यादा होती है। रोगी तब तक खुजाता रहता है जब तक त्वचा छिल नहीं जाती या खून नहीं निकलने लगता। कपड़े उतारने पर खुजली होने लगती है, बिना उद्भेदों की खुजली होती है। शरीर में कई जगहों पर मुखदड़ के झुंड फुंसियाँ निकलती है। इसमें कुछ मानसिक लक्षण भी हैं, जैसे कि अहंकारी, स्वार्थी, मौकापरस्त, कृतघ्न, चालबाज, कंजूस, आत्मप्रशंसक, महत्वाकांक्षी, चिड़चिड़ा, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, सबके दोष निकालता रहता है, अव्यवस्थित, बेमेल या असंगत कपड़े पहनता है। उसे इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें कुछ व्यापक लक्षण भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक, रोगी उष्ण प्रकृति का होता है, रोगी को गर्मी सहन नहीं होती, कुछ रोगी शीत प्रकृति के भी होते हैं, इच्छा मिठाई, अचार, खट्टी चीज़ें, चर्बीदार चीज़ें, गर्म पेय, अनिच्छा मांस, दूध, मिठाई, तंबाकू, खट्टी चीज़ें, चर्बीदार चीज़ें। रोगी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, बैठना या लेटना चाहता है। नहाने से रोगी की तकलीफें बढ़ती हैं, बिस्तर में पैरों के तलवों में जलन होती है, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए रोगी उन्हें चादर के बाहर रखता है। बहुत सारे लक्षण बिस्तर की गर्मी से बढ़ते हैं। दोपहर 11 बजे रोगी को ज़ोरदार भूख लगती है और बेहद कमजोरी महसूस होती है। रोगी दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा खुला रखता है। वृद्धि, बिस्तर की गर्मी से नहाने धोने से आधी रात के बाद मौसम के बदलने पर, मानसिक धर्म के पहले और मानसिक धर्म के दौरान खड़ा रहने से, हास्य, खुले गर्म मौसम में दाहिनी करवट लेटने से। शक्ति, नए रोगों में 12 शक्ति यानी कि 12 शक्ति ज़्यादा लाभदायक पाई गई है, पुराने रोगों में 200 यानी कि 200 से ऊपर,
और सबसे मेन बात दोस्तों, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऊंची शक्ति बार बार न दोहराएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात इस दवा को कैसे खाया जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोगों को पास जाएगा उतने लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।